बहुत अच्छे। हेलो 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 श्री राधे आ करते हैं साहब। हाँ
अरे भारत की सीमा में घुस के हाँ अरे कछु घूम रहे घुस पैटी है कछु कछु घूम रहे घुस पैठी है सब आगे आ जाएगी उनके जो पार रहे यहाँ पैठी है सब आगे आ जाएगी जो पार रहे यहाँ पैठी है सब आगे आ जाएगी उनके जो पार रहे यहाँ पैठी है क्या बताया चलो न्यू इंडिया है मोदी सरकार है और चुन चुन के एक भी घुसपैठिया नहीं बच रहा है राधे लगाया जा रहा है लेकिन बचने वाले यहां भी नहीं है कहूं ना बचेंगे अरे अदला बदली करके नंबर हाँ अरे लगवाए गए वो एठी लगवाए गए वो अब कहा अगारी कहवे कुई है गई फैल कमेटी है अब कहा अगारी कहवे कुई है गई फैल कमेटी है अब कहा अगारी कहवे कुई है गई फैल कमेटी चलो ये 21वें का पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में एक और राशि वालों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद जी ये 101 रुपए का आशीर्वाद लाखन सिंह जागोर पोस्ट मास्टर जटरंगला वालों की तरफ से आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब तो सजनों देखिए आपके सामने एक कथा भजन और ये 51 रुपए का पुरस्कार कल्याण सिंह राहुल यही के निवासी हमारी पार्टी को नमन फरमाते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब सजनो राजा बाणासुर की लड़की अलंदे ऊखा ऊखा सोई हुई है और सोते समय महलों में सपना देखती है सपने में क्या कि वो भगवान कृष्ण के कुल खानदान में पहुंच जाती है और अनुरोध को देख लेती है सजनो वो आसक्त हो जाती है मोहित हो जाती है उस पर तो इस बात को लेकर के सुबह हुआ और वो अपनी सखियों को बुलाती है किस प्रकार से क्या कहने लगी क्या होने लगा मुझे बोलिए हर में कैसे हर में कैसे दिल समझाऊरी प्यारे की प्यारे की यादों में सजना ऊका सखियों को बुला लेती है बैठा लेती है महल के अंदर किस प्रकार से क्या कहने लगी क्या बतला लगी क्या होने लगा भैया
हो मैं कैसे समझाऊं प्यारे की याद में, मैं कैसे समझाऊं प्यारे की याद में, मैं कैसे दिल समझाऊं प्यारे की याद में, मैं कैसे दिल समझाऊं प्यारे की याद में, मैं कैसे दिल समझाऊं प्यारे की याद में, गोविंद चौधरी कुड़गाम वाले की तरफ से 101 का इनाम। अजय खुशीराम डागो हवलदार जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं जटनगला वालों की तरफ से। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। सजना उखाने अपनी सखियों को बुलाया, महल के अंदर बिठा लिया और वो कहने लगी, बतलाने लगी कि ये सखियों क्या देखा भैया, बोलिए बताइयो। शेरपुर वाले हमारी पार्टी का नाम न फरमाते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। सजना ऊखा अपनी सहेलियों को समझाती है, सारे सपन को बताती है कि इस तरीके से मैंने सपना देखा, तो सजना उसकी सहेलियों में एक चित्रलेखा नाम की सहेली थी और जिसके हाथ में वो रेखा थी कि जिसके द्वारा वो हर किसी का चित्र व फोटो बना दिया करती थी, देवता व दैत्य। सज्जनों किस प्रकार से क्या होने लगा बोलिए। अजय ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रकाश भाई टागोर जटनगला निवासी हमारी पार्टी को नाम न फरमाते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई की तरफ से। वो सात सहेली चेतन रेखा सोनर चित्र बनावे,
देवता व दैत्यों के सभी के फोटो बनाए, चित्र बनाए, लेकिन लड़की ने सभी को फेल कर दिया कि इनमें से कोई भी नहीं है जो मेरे सपने में रात को मैंने देखा। सजरो अब वो चित्र रेखा कहा भगवान कृष्ण की नगरी में उसी के कुल खानदान में घुस जाती है और उस सभी के फोटो बनाने लगी और बतलाने लगी। और वो फोटो बनाया अनिरुद्ध का, तो उसने जाना कि हाँ देखिए ये ही है जो भी है मेरे रात सपने में आया। सज्जनो उस कार से क्या होने लगा, बोलिए भैया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार शेख सिंह जागोर कंडोरा निवासी हमारी पार्टी को नाम न फरमाते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और 11 रुपए एक छोटे से बालक की तरफ से आए हैं, हम उसके भविष्य की कामना करते हुए। और क्या लिखा मास्टर, हो पहुंच द्वार का
प्रवासी वालों की तरफ से पार्टी आशीर्वाद की कामना करती है साहब। अच्छा एक क्या रुपए का आशीर्वाद भाई साहब जी तरफ से, नाम नहीं जानता मैं, हार्दिक धन्यवाद साहब। अभिमान सचलो वो ऋषि कहने लगे के यदवशियो सुनो क्या बताया भैया। अभिमान तुम्हें है मारे ना कोई बात में सारे, अभिमान तुम्हें है मारे ना कोई बात में सारे, शराब दिया है कैसे कि इस गर्भ से वह मूसल पैदा होगा
जिसके द्वारा तुम्हारे सारे कुल खानदान का नाश होगा। सज्जनों राजा उग्रसेन कहने लगा कि ऋषियों का श्राप मिथ्या नहीं होता, श्राप दे दिया वो दे दिया, नाश तुम्हारा निश्चित है, लेकिन एक उपाय बतलाता हूं, अगर बच सको तो कि ये जो मूसल है इस मूसल को घिस करके गंगा जी में बहा दो पानी में, ये बचना नहीं चाहिए। अगर बच सको तो यही एक उपाय तुम्हारी शायद बच जाए, अन्यथा कम चांस है। सज्जनो यदवेश ने उस मूसल को घिस घिस के पाउडर बनाया, पाउडर बना के जल की धारा में बहा दिया। जो पाउडर बना वो किनारे किनारे लग गया और वो पटेरा जो पटेरो बोले हम जो पानी में खड़े हो जाए वो पटेरो बन के पैदा है वो सज्जनों जल की धारा पर। लेकिन किसमें पर तो एक कील और रह गई छोटी सी, नहीं घिसी गई, ये बोल झेरे में रंजो ना किसी फेंक दो कहा करेगी, बू भाई जल धारा में फेंक दे बिल्ले। सज्जनों भाई एक मछली निकल गई, मछली निकल गई तो भाई एक भील पकड़ लाया, बाकी फंदा में फंस गई। भील ने लाके घर बाकी चीर फार करी तो वो कील बाग पेट में तो निकली और वो कील भील ने अपने बाण की नोक पे लगवा ली। सज्जनों क्यों तेतल त्रेता में राम ने बाली मारो और वही बाली द्वापर में भील बनो, लेकिन बदलो थोड़ी जाए, बदलो तो लेनो देना पड़ेगा। छुप के राम ने बाली मारो सजनो भू भील बन गो द्वापर में, बिदगु राम कृष्ण बन गो। देखो तो कृष्ण तो मेरे को भील के बाढ़ते बा कीलते सज्जनो, अब वो जो पटेरा पैदा है वो सारे यदवंशी पहुंच गए भाई किनारे पे हंसते खेलते, और हंसते खेलते मेरे में बात बदंगर है गो, बात बदंगर में तूत में गाली गलोच है और दवाले चालू है सज्जन राधे। क्यों कि उनका नाश्ता होन हार भावे प्रबल, होनी बलबाल होती है, होनी नीट लगती। सज्जनों भाई पहुंच गए उसी जगह पर, झगड़ा है आपस में दवाले है गई तलवार बन जाए। जय हो क्यों ऋषियों का श्राप पूरा होना, उनका नाश होना यदवंशियों का। सजनो भाई किनारे पर बिना पटेरे सब यदवंशी खत्म है गया, और वहां कृष्ण मर गो भीड़ का आदमी देखे शिकार से गाय की बात है भैया क्या बताए। एक बात ध्यान में आओ कैसे भूसा